नंबर्स हैं। अब क्या होता है कि मेरे पास नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर में क्रॉस देना है, मुझे अपने इस नंबर में क्या देना है, क्रॉस देना है। तो एक क्रॉस कैसे दे, अगर आप इसकी पेन में प्रिंट आउट पे क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस लगा सकते हैं ना सर, या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं? ये कहां से गया क्रॉस? ये तो मेरा इसका जूम का है, इसलिए मैं जूम से मैंने कर दिया। What? ये मेरा जूम का सेशन है, मैं जूम से मैंने कर दिया। लेकिन आप खुद से कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप यूज करेंगे बॉर्डर। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, बॉर्डर पे आइए। अब मुझे कलर लेना है, कलर करना है, कलर कर लिया हमने, बॉर्डर के मोटाई को सिलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने यहां भी क्लिक किया, फिर वापस यहां भी क्लिक किया, एंड इसको ओके कर दीजिए। हो गया सर? अब F4 होता है, F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिटर्न करता है, रिपीट करता है। F4 अगर अपने कीबोर्ड का F4 प्रेस करते हैं तो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब मान लीजिए इसी में मैंने अगर फॉर्मेट सेल में गए, मुझे सही का निशान चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं, और यहां पे इसको ले लेते हैं। हो गई सर? और एक बार दिखाइएगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और ये आपका बॉर्डर्स का कलर चूज कर लीजिए, और आपको फिर कौन सा बॉर्डर चाहिए, मुझे इस तरह बॉर्डर चाहिए और इस तरह का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, क्लियर है सर? ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ विजुलाइज के लिए होता है, आप इसके बिहाफ पे कंडीशंस या फिल्टर चीजें नहीं लगा सकते। तो हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसमें मैं पी सेलेक्ट लिख दूं और इस पी को उस फॉन्ट में डालू, मतलब कि मैं इसकी जो फॉन्ट है वो फॉन्ट में बाइंडिंग टू या बेरिंग टू होता है, एक मिनट, हाँ ये रहा, इस फॉन्ट पे क्लिक कर दूं तो जो पी है उस इस तरह के निशान बन जाएंगे, राइट। और ये जो यहां पे जो हम क्रॉस के लिए वो लिख सकते हैं, राइट सर। अब इसके इसके क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा समझ पे नहीं आया, कहां से किया है सर? आप फॉन्ट समझते हैं, फॉन्ट क्या होता है? तो फॉन्ट में आप फॉन्ट जैसा लिखते हैं, आपका लिखावट चेंज करता है ना सर, वो वाइंडिंग्स की आप, हाँ उसी तरह से एक फॉन्ट होता है जो पी करेक्टर को ओ करेक्टर को इस क्रॉस एंड पिक के निशान में कन्वर्ट विजुलाइज कर देता है, कन्वर्ट में विजुलाइज कर देता है, समझे? अभी एक बार वाइंडिंग्स कीजिए। हाँ देखिए सामने है, ठीक है। ओ अच्छा ठीक है, बट एक्चुअली में होता वो ही है और होता पी ही, क्योंकि सिंपल सा मेथड है कि आप किसी भी तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करके ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते, आपका चेंज जस्ट विजुअल होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है? ठीक। ऐसे और भी सिंबल्स है क्या? हाँ ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। आप फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आएंगे, इंसर्ट में यहाँ सिंबल दिख रहा है, इक्वेशन भी है और सिंबल भी है, इसके अंदर सारे सिंबल अलग अलग फॉन्ट यहाँ सिलेक्ट करें, अलग अलग सिंबल को देख लें, ठीक है।